वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है हेक्टर के ऊपर क्या क्या एक्सेसरीज आपको लगवानी चाहिए। अगर आप इस कार को लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अभी मजा आएगा ना वीडियो। नंबर वन एक्सेसरीज है इसकी मॉरिस गैरेजेस। जो आप बैचिंग देख रहे हो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। रेंज रोवर जैसे कार में आप देखते होंगे वहां पर लिखा होता है रेंज रोवर बोनट के ऊपर, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दूर से देखो मतलब ब्लैक कलर में और ये बैचिंग हो तो अलग लेवल की लगती है कार। बाकी सेकंड एक्सेसरीज जो है वो है ORVM पे आपको क्रोम मिल जाता है। इस कार को लेते हो ब्रांड में तो नहीं मिलता, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और ब्लैक कलर में अगर आपका हेक्टर है तो क्रोम उसमें ज़रूर लगवाएं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छी लगती है कार। तो बिना क्रोम की थोड़ी फीकी फीकी टाइप आपको फीलिंग आने वाली है अगर नहीं लगवाते तो। बाकी थर्ड तो भाई अपने वाइजर्स, दो वाइजर आपको मिलते हैं नॉर्मल, वो तो होकर लगवाता कार के अंदर, ये भी आप लगवा सकते हो। बाकी फिफ्थ है ये अपना क्रोम लाइन, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में क्योंकि ब्लैक और क्रोम का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है देखने में। फिफ्थ एक्सेसरीज है अपनी रूफ रेल्स सिल्वर फ्रेश में, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, आपको दिखाता हूँ दूर से एक मिनट देखो। बाकी सिक्स्थ एक्सेसरीज है भाई अपनी ये डोर हैंडल्स, आप देख सकते हो उस पर क्रोम लगा हुआ है, तो ये तो पक्का लगवाना डोर हैंडल्स पे क्योंकि अगर आप क्रोम लगवाते हो ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं लगता बिल्कुल सेम, इसकी वजह से थोड़ा लुक जो अच्छा लगता है देखने में क्रोम की वजह से। बाकी सेवंथ एक्सेसरीज आप देख सकते हो टेल लाइट्स के ऊपर क्रोम लगवा रखा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। एक मिनट आपको दिखाता हूँ पीछे से, ये देखिए ये जो क्रोम है इसकी वजह से भी काफ़ी अच्छी लगती है पीछे देखने में। तो अदर एक्सेसरीज जो हमें लगवाई है एक्सेसरीज जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई काफ़ी, आप बिल्कुल मत लगवाना उसको, वो है इसके फुट स्टेप्स, क्योंकि भाई इसका जो कार का व्हील बेस है काफ़ी ज़्यादा कम है तो क्या होता है स्पीड ब्रेकर पर टच हो जाता है, इसकी वजह से उखड़ भी सकता है, तो प्लीज़ इसको मत लगवाना। आप स्कॉर्पियो है तो लगवा भी सकते हो भाई, बाकी भी हो चुका है काफ़ी टच हो चुका है इसलिए बिल्कुल मत लगवाना इसको, इसको इग्नोर करना। हालांकि थोड़ा लुक्स बढ़िया होते हैं, बाकी बेकार है किसी काम का नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अगले बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।